तकरीबन 2 महीने बाद आजमगढ़ की चुनावी रैली खत्म कर और नतीजों का परिणाम जान आखिरकार निरहुआ लौट पड़े मुंबई। जी हाँ, वो अपने घर आ चुके हैं और आते ही उनका बड़ा ही स्वागत किया गया घर में। भले ही निरहुआ हार गए हैं तो क्या, लेकिन उनकी हार को भी उनके घर में बड़े पॉजिटिव वे में सेलिब्रेट किया जा रहा है और वैसे होना भी चाहिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ काफ़ी लंबे समय बाद अपने घर वापसी की, पत्नी बच्चों और सभी से मुलाकात की, क्योंकि इतने लंबे समय तक शायद ही वो कभी अपने घर से दूर रहे हों। निरहुआ से जुड़ी हर खबर लोग जानना चाहते हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि मुंबई पहुंचने के बाद पहली बार लोगों का यानी कि उनकी परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था। आपको बता दें कि मुंबई में दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी प्रवेश लाल यादव की पत्नी, प्रवेश लाल यादव के बच्चे और खुद प्रवेश लाल यादव एक ही छत के नीचे रहते हैं। ये ज्वाइंट फैमिली है। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे कैंपेन के दौरान यानी कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रवेश लाल यादव अपने भाई के साथ साये की तरह खड़े रहे और लगभग 2 महीने बाद उनकी भी घर वापसी हो रही है। लोग काफ़ी खुश हैं। भोजपुरी के हर बड़े सितारे ने निरहुआ के इस हार को उनकी आगामी जीत की निशानी बताई है और सेम वही हाल निरहुआ की पत्नी का भी रहा होगा। जी हाँ, निरहुआ की पत्नी भी अपने पति से मिलने के बाद ज़रूर उन्होंने ये कहा होगा कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार भले ही आप हार गए हों लेकिन लोगों का दिल तो आपने जीत लिया और अब अगली लड़ाई आपकी ही होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।